मैं अभिषेक सोनी आप सभी वार्डवासी एवं नगरवासियों के लिए होली एवं रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क का निरंतर पालन करते रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 की बहुत ही खास श्रृंखला में, जहां हम आपको सागर शहर के उन चुनिंदा लोगों से मिलाते हैं जो कि समाज सेवा करते हुए शहर में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सागर शहर के मोतीनगर वार्ड क्रमांक 25 के अजय जैन जी से। बंडा वाले परिवार के नाम से विख्यात अजय जी का परिवार पिछले 35 वर्षों से अपने वार्ड और शहर में हर जरूरत के समय पर लोगों के बीच जा जाकर उनकी सहायता करने में हमेशा सबसे आगे रहा है। कोरोना महामारी जैसे भीषण समय में जब लोगों को लॉकडाउन के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसे में भी लोगों के बीच जाकर राशन बांटना, जरूरत का सामान उपलब्ध कराना और लोगों की परेशानियों का निवारण करना, ये सब काम अजय जैन जी और उनके परिवार को समाज में और शहर में एक विशेष स्थान देते हैं। और सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, बल्कि उससे पहले से ही जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती तो इनके कदम कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटे। ज़रूरतमंद हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करना, अपने वार्डवासियों के लिए निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाना, ऐसे काम सतत चलते रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, जब हमने अजय जैन जी से बात की तो उन्होंने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मोदीनगर वार्ड क्रमांक 25 से पंडा वाले परिवार के श्रीमान अजय जैन जी से। समाज सेवकों की सूची में एक बहुत ही गहरा प्रभाव बना चुके और सागर शहर में अपनी छाप बना चुके अजय जी से सीधा साक्षात्कार आज हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले तो खबर 24 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। जैसे कि आपके द्वारा समाज सेवा के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, गरीबों जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आपके और आपके आपके परिवार के कदम कभी भी पीछे नहीं हटते। देखा जाता है कि लोगों की मदद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी पहुंचने को भी हमेशा तैयार होते हैं, तो किस तरह का अनुभव ये होता है इस तरह के कार्य करने से, इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा आपको बना सकती है? हमारे परिवार से सब लोग जुड़े रहते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी का काल चल रहा है, जिसमें कई सारे लोगों को रोजगार से ही वंचित होना पड़ा, अपने घरों से वंचित होना पड़ा, काफी परेशानियां इसमें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में भी लोगों के बीच जाकर आपने हर किसी की हर संभव मदद करने का प्रयास किया, किस किस तरह की परेशानियां आई और किस तरह के अनुभव आपको इस कोरोना काल में हुए? कोरोना महामारी के भयानक काल में हमने अपने स्तर पर लोगों की मदद करते रहे। उस प्रत्येक व्यक्ति तक जरूरत का सामान, राशन सामग्री, जरूरत का सामान। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको आपके बार से मौका देती तो इस मौके का आप किस तरह से सदुपयोग करेंगे? सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए हितग्राहियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसमें जो भी लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमारे शहर अभी बार में जो भी जरूरत है चीज की, और लाल लक्ष्मी योजना है और उज्ज्वला योजना है, बहुत से परिवारों में नहीं पहुँच पाई है। मुझे हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो बताते भी लोग हैं, ये समस्या है उसको पूरा करने का प्रयास। मोतीनगर वार्ड क्रमांक 25 से इस वर्ष आप पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, तो आखिर आपके चुनाव लड़ने के उद्देश्य क्या है, आखिर वो क्या वजह थी कि आपको चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा? इसकी मुख्य वजह ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, खासतौर जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकारी योजनाओं का ऐसा सख्ती से पहुँचा सके और मुख्य हो ही रहेगा। खासतौर जैसे कि अभी आयुष्मान योजना चल रही है, बहुत से लोगों के कार्ड नहीं आ रहे, किसी लोगों के नाम भी नहीं खुल रहे हैं पोर्टल पे, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। उसके हमारा उद्देश्य है कि लोगों के लिए योजनाओं का पूरा से पूरा फायदा मिल सके और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हमारा। जैसे कि वार्ड में हमेशा से काफ़ी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं और शुरू से ही आपका परिवार शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आपके द्वारा इस तरह के कार्य हमेशा समय समय पर किए जा रहे हैं। जैसे कि आपके द्वारा भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह के आयोजन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? लोगों समस्याएं देख करके अब लोगों को दिक्कत हो रही है इलाज में जाने के लिए, जब वो बोलते हैं भैया पैसे नहीं है, परेशानी है, गरीबी है, इलाज में जाते हैं तो बोलते हैं पैसा लगता है, तो
इन सब समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में विचार आया था कि आयुष्मान कार्ड बनवा दिए जाए ताकि उनको सुविधा हो।